जब कुफर का गलबा होता है तो कभी कभी साहिब ईमान, मुझ जैसे साहिब ईमान जिनका ईमान कमजोर है, इस वसवसे में, इस मुगालते में मुब्तला हो जाते हैं कि कहीं अल्लाह को इनसे मोहब्बत तो नहीं, ये इनकी रस्सी दराज किए चला जा रहा है, इन पर नेमतों के दरवाजे खोले हुए हैं। वो नेमतों के दरवाजे तो हम खोल देते हैं ताकि इनका खुब्ज, इनके अंदर की नापाकी पूरे तौर पर जाहिर हो जाए। बहरहाल जो मुगालता हो जाता है, कोई मुसलमान जो मारे खा रहा था, पिट रहा था, कभी सोचता होगा क्या अल्लाह को अबू जहल से कोई मोहब्बत है कि इसका हाथ छल नहीं कर रहा, इस पर फालिज नहीं गिर रहा, ये किस जोर शोर के साथ कोड़े बरसा रहा है सुमैया पर रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये किस तरह आजमा रहा है और किस तरीके से तकलीफें पहुंचा रहा है हजरत यासिर को रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह कादिर है कि इसके हाथ को छल कर दे, अल्लाह कादिर है कि इस पर अभी फालिज गिर जाए। तो क्या वजह है इस वसवसे की नफी कही, इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन, उन्हें काफिरों से कोई मोहब्बत नहीं है अल्लाह। हाँ, दो चीजें जहन में रखिए, एक तो रस्सी दराज करता है दुनिया में, और दूसरे ये बात भी अपनी जगह है कि अहले ईमान की तरबियत इसी में है, वरना खाम रह जाएंगे। खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीरे बेजिनहार तू। और एक बात और फलसफे के एतबार से जान लीजिए, जब तक के कोई ग्रोह ऐसा साबदेदा आ जाए साहिब ईमान लोगों का जो क्वालिफाई करता हो कि वो दुनिया के इंतजाम को संभाल सकते हैं, उस वक्त तक अल्लाह ताला कुफार के हवाले किए रखता है। लेकिन अगर कोई ग्रोह साबित कर दे अपने ईमान, अपने अमल साले, अपनी तंजीम, अपने डिसिप्लिन, अपने ईसार, अपनी कुर्बानी, अपने सब्र, अपने सबात, अपने इस्तिक्लाल से कि वो अब क्वालिफाइड है, तो अल्लाह ताला को हरगिज इन कुफार से कोई मोहब्बत नहीं कि दुनिया की इमामत और दुनिया की क़यादत उनके हवाले रखे। लेकिन बहरहाल अगर नहीं है कोई ऐसी जमात और ऐसा ग्रोह और ऐसी उम्मत, तो ठीक है, दुनिया का इंतजाम तो अल्लाह ने किसी से कराना ही है।